ताहिर जाफर का पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल हो गया है। ज़राए का कहना है कि टेस्ट से कबल मुलजिम बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट के दौरान भी मुलजिम मुख्तलिफ हेले बहाने करता रहा। ज़ाहिर जाफर का पॉलीग्राफिक टेस्ट साइंस लैब के माहरीन ने किया। टेस्ट में ज़ाहिर जाफर से 20 सवाल पूछे गए। लैब में वाकये की CCTV फुटेज का भी फॉरेंसिक किया गया। इस्लामाबाद पुलिस जुम्मे को ज़ाहिर जाफर को लेकर लाहौर पहुंची, जहां इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट लेबॉरेटरी के माहरीन ने किया। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी के आला हकाम ने पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल होने की तस्दीक की है। ज़ाहिर जाफर को सख्त सिक्योरिटी में लाहौर लाया गया। याद रहे कि 20 जुलाई को पाकिस्तानी साबिक सफीर की 27 साल बेटी नूर मुकद्दम को ज़ाहिर जाफर ने अपने घर बुलाकर कत्ल कर दिया था। मकतूला के वालदैन की मदईयत ज़ाहिर जाफर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि मुकामी ताजिर का बेटा है, जबकि पुलिस ने मुजरिम को जाय वकूआ से मुबैना तौर पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जो इस वक्त रिमांड पर पुलिस की जेर हिरासत है।